मुंबई के पुणे में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां एक तेज रफ्तार बेकाबू टैंकर ने 15 गाड़ियों को टक्कर मार दी है। इस हादसे में अब तक 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना पुणे के दक्षिणी इलाके में हुई है। बताया जा रहा है कि टैंकर बेंगलुरु से मुंबई की ओर जा रहा था और ये टैंकर तेज रफ्तार में आ रहा था। तेज रफ्तार होने से टैंकर बेकाबू हो गया और कई गाड़ियों में टक्कर मार दी। सिंहगढ़ पुलिस स्टेशन के SSP देवीदास घेवरे ने बताया कि टैंकर पुणे की दिशा की ओर जा रहा था। मल्टी व्हील टैंकर में एथेनॉल था और ये बेंगलोर से आ रहा था। उन्होंने बताया कि हादसा शुक्रवार की रात 9 बजे नवले पुल के पास हुआ है। पुलिस को चश्मदीदों ने बताया कि टैंकर की रफ्तार बहुत तेज थी। टैंकर के ब्रेक फेल होने की आशंका भी जताई जा रही है। इसी वजह से टैंकर ने अपना नियंत्रण खो दिया और नवले ब्रिज से जा रही 10 से 15 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। SSP ने न्यूज एजेंसी को बताया कि ओवरटेक करने के दौरान में टैंकर ने सबसे पहले एक 7 सीट वाली गाड़ी को टक्कर मारी। हादसे में जान गंवाने वाले दोनों लोग इसी गाड़ी में सवार थे। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है और 12 लोग घायल हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि घायलों में कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है।